हेलो फ्रेंड्स, आज एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है वाटर आयोनाइजेशन। कहा जाता है उसमें से निकलने वाला पानी मिरेकल वाटर होता है, और आज मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के आयोनाइजर मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है सारे आयोनाइजर सेम होते हैं? चलो आज देखते हैं। 25,000 से लेकर 4,00,000 तक की रेंज के आयोनाइजर आते हैं मार्केट। आज हम देखते हैं सारे आयोनाइजर। हाइड्रोजन एक चाइना का मशीन है, 35,000 से स्टार्ट हो रहा है। उसमें करीबन 10.5 से 4 पीएच तक की रेंज आती है, और उस मशीन में क्या है इंटरनल पोर्शन उसको देखते हैं। पहले मशीन को ओपन करते हैं और उसके अंदर के प्लेट चैम्बर और सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखें तो ये काफी कॉम्पैक्ट है, और प्लेट चैम्बर को बाहर निकाल के उसको देखते हैं कि उसके अंदर की प्लेट कंडीशन क्या है। आप देख सकते हो उसके ऊपर जो स्क्रू लगे हैं वो भी कोरोड हो चुके हैं। दोस्तों ये शायद 6 महीने पुराना मशीन है, जिसमें आप ये कंडीशन देख सकते हो स्क्रू की। उसको ओपन करने में भी काफी दिक्कत आ रही है। राइट, अभी हम उसके प्लेट्स को खोल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है प्लेट की। अब देखें तो ये प्लेट क्या आपको लगता है टाइटेनियम की है? दोस्तों मेरे को तो एसएस की भी नहीं लग रही, ये शायद एमएस या कोई और मेटल की हो सकती है जिसके ऊपर जंक लगा है, पपड़ी जमी। सो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। राइट, सो अभी देखते हैं केवाईके। ये एक कोरियन ब्रांड है, 1,59,000 से प्राइस स्टार्ट होता है, और काफी बेहतरीन मॉडल है। 10 पीएच से लेके 4 पीएच तक की रेंज है। इसके अंदर दो फिल्टर आप देख सकते हो, स्लाइडिंग डोर मैकेनिज्म है, और उसके पीछे से ये आपको इनलेट कनेक्शन जहां से पानी मशीन के अंदर जाता है। अब ये मशीन को ओपन करते हैं और उसके अंदर की मैकेनिज्म को देखते हैं क्या है ये मशीन के अंदर, और किस तरह से ये प्लेट्स और अंदर का जो सर्किट है लगा हुआ है। इसको देखते हैं तो जो पहले का मशीन था उससे काफी बेहतर इंटरनल अरेंजमेंट है। जो इंटरनल पाइप्स कनेक्टिविटी है ये आपको देख सकते हो, पीपी की पाइप दिख रही है। और अब ये प्लेट चैम्बर को बाहर निकाल के सारी प्लेट्स को खोलते हैं, काफी इजीली ये ओपन हो रहा है कंपेयर टू पहले वाला मॉडल। स्क्रू कंडीशन भी अच्छी है, ये भी करीबन 9-10 महीने यूज किया गया मशीन है। और ये प्लेट्स, यस ये शायद प्लेटिनम और एसएस की हो सकती है। प्लेट सॉलिड है, आप देख सकते हो, अगर एक प्लेट को टच करके देखे तो आप उसकी थिकनेस का अंदाजा, साइज का अंदाजा लगा सकते हो। कोई भी मशीन होता है आयोनाइजर, उसमें प्लेट का मटेरियल, साइज और टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको ये देखने को डिफरेंस मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम देखे तो ये सारी प्लेट्स है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी का कैंगन वाटर जो 2,18,000 से स्टार्ट होता है, जिसको रोल्स रॉय भी बोला जाता है। 11.5 पीएच से 2.5 पीएच तक की रेंज है इसकी, और इस मशीन को ओपन करता है कि क्या है इसके इंटरनल मैकेनिज्म, क्यों इसको रोल्स रॉय बोला जाता है और क्या है। देखे तो काफी बेहतरीन इंटरनल अरेंजमेंट है, जहां पे आप ये जो अभी निकाल रहे हैं आप देख सकते हो, ये वैक्यूम पंप है जो 11.5 पीएच के लिए एनहांसर डालने के लिए काम करता है। दोस्तों देखते हैं अभी प्लेट चैम्बर को निकाल के कि प्लेट चैम्बर कैसा है। काफी बेहतरीन खूबसूरत है, काफी वेल ऑर्गेनाइज रखा गया है, और ये मशीन दोस्तों रनिंग मॉडल है, 15 महीने से लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पानी भी लग दिख रहा होगा उसके प्लेट के ऊपर। ये प्लेट टाइटेनियम की प्लेट है, और उसके ऊपर प्लेटिनम का डीप कोटिंग किया है 2 बार, इसीलिए इसको मेडिकल ग्रेड मशीन और मेडिकल ग्रेड प्लेट्स भी कहा जाता है। आप देख सकते हो अलग अलग नंबर ऑफ प्लेट्स और साइज थिकनेस का अंदाजा आपको आ सकता है। अगर हम देखने जाए ये तीनों मशीन की कंपैरिजन, तो टेक्निकली भी बहुत डिफरेंस है और प्राइस वाइज भी बहुत डिफरेंस है। स्पेसिफिकली उसकी प्लेट के बारे में बात करूं तो आप प्लेट को भी देख सकते हो कि कितना डिफरेंस इसमें है। हाइड्रोजल की बात करें तो उसका प्लेट के साथ जो रॉड है वो भी वेल्डिंग किया हुआ है। केवाईके की बात करें, काफी अच्छा प्लेट है, बट पतला प्लेट है और थोड़ा लूजन अप है, साइज भी कम है। एनर्जी की प्लेट की बात करें तो काफी सॉलिड और सबसे बड़ा प्लेट साइज इसका है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। तो आपकी हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है, तो आप जो भी करते हो ना वो वाइसली करो। सो विद दिस मैं आपको ये